क्वेश्चन नंबर 8 है द इनर एड्स ऑफ अ बॉक्स इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए एक बॉक्स है जिसकी इनर एड्स है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 सेंटीमीटर और कोई क्यूबिकल पैकेट है जो कि 8 सेंटीमीटर है लॉन्ग है। एड्स आर पुट इन इट, उसके अंदर रखा हुआ है वो क्यूबिकल बॉक्स के अंदर। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स इफ देयर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। तो आपको पता लगाना है कि उसमें कितने बॉक्स हैं, उसमें बिल्कुल भी जो है स्पेस खाली नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, दोनों चीज़ें की हमें वॉल्यूम फाइंड करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैकेट की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पैकेट, पैकेट का पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला होता है, तो हमें साइड दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो 80 का क्यूब एंड देन इसको हम 80 को 3 टाइम हम ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512,000। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप करेंगे, आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ये स्टूडेंट्स आपका बॉक्स का था। ओके, अब आप पैकेट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो आपको 1 पैकेट का बताया गया है। इसके भी जो सेम फॉर्मूला, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 × 8 इसको आप ओपन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 512। ओके, अब आप कर लेंगे नंबर ऑफ पैकेट फाइंड करना है आपको। नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स का पता लगाना है कि कितने पैकेट। ओके, तो उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन में आपने किसका फाइंड किया है, वॉल्यूम ऑफ पर पैकेट का किया है, तो पैकेट ये है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आया है 512,000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पैकेट आपका आया है 512। तो आप देख सकते हैं 512 से 512 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, देन हमारे पास आंसर आ गया है 1000 पैकेट्स। तो जो उस बॉक्स में कितने पैकेट्स आ सकते हैं, 1000 पैकेट्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है।